इस वक्त की बड़ी खबर राज्यपाल से जुड़ी हुई, जिनकी सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आ रहा है। जी, आपको बता दें कि बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरेलेकर की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। राज्यपाल मोतिहारी दौरे पर थे। राज्यपाल राजेंद्र अरेलेकर की सुरक्षा में तैनात एक फर्जी पुलिसकर्मी का मामला उजागर हुआ है। वो शख्स पुलिस की वर्दी में था। नकली पुलिस वाले की पहचान जयप्रकाश राय के रूप में हुई है। शुरुआती जानकारी के अनुसार जयप्रकाश राय नाम का व्यक्ति अपने पिता रामजतन यादव की जगह ड्यूटी में आया हुआ था। रामजतन यादव की ड्यूटी राज्यपाल की सुरक्षा में लगाई गई थी, लेकिन उसकी जगह उसका बेटा वर्दी में तैनात दिखा और उसके बाद ऐसे माहौल बन गए। रामजतन यादव चौकीदार के रूप में घोड़ासहन में तैनात है, जिन्हें राज्यपाल की सुरक्षा में लगाया गया था। हालांकि उनकी जगह उनका बेटा वहां पे पहुंचा, जिसके बाद हालात थोड़े अलग हो गए। दरअसल महात्मा गांधी केंद्रीय विद्यालय के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरेलेकर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने मोतिहारी आए। मंगलवार को होने वाले दीक्षांत समारोह के पूर्व सोमवार को कड़ी सुरक्षा के बीच बिहार प्रसिद्ध मनोकामना पूरक सोमेश्वर महादेव मंदिर में पहुंचकर सावन के चौथे सोमवारी के अवसर पर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच उन्होंने पूजा अर्चना और जलाभिषेक भी किया। अब मंगलवार को वे महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने मोतिहारी आए कि तभी इस बीच ये बातें सामने आई कि सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है, क्योंकि राज्यपाल मोतिहारी दौरे पर थे। राजेंद्र अरेलेकर की सुरक्षा में तैनात एक फर्जी पुलिसकर्मी का मामला उजागर हुआ। वो शख्स पुलिस की वर्दी में वहां तैनात था, जिसके बाद लोगों को काफ़ी शक हुआ क्योंकि चेहरा बिल्कुल नया था। और उसके बाद ये बातें निकल कर सामने आई कि नकली पुलिस वाले की पहचान जयप्रकाश राय के रूप में की गई। शुरुआती जानकारी के अनुसार जयप्रकाश राय नाम का व्यक्ति अपने पिता रामजतन यादव की जगह ड्यूटी में लगा हुआ था। रामजतन यादव की ड्यूटी राज्यपाल की सुरक्षा में लगाई गई थी, लेकिन उसकी जगह उसका बेटा वर्दी में तैनात दिखा, जिसके बाद ये हालात हुए। बता दें कि रामजतन यादव चौकीदार के रूप में घोड़ासहन में तैनात हैं, जिन्हें राज्यपाल की सुरक्षा ड्यूटी में लगाया गया। हालांकि उनकी जगह उनका बेटा जयप्रकाश राय पिता की वर्दी पहनकर वहां पहुंचा और उसके बाद हालात जो हैं वो इस तरह के बन गए। हालांकि जब पता चला, जांच पड़ताल हुई, तो पता चला कि सुरक्षाकर्मी का बेटा है और वो वर्दी पहनकर वहां सुरक्षा में तैनात दिखा।